इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा के नागिन दास पाड़ा के नूतन हाई स्कूल में, नूतन हाई स्कूल एंड कॉलेज में। यहाँ पर एक समाज सेवक जो जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिनको पेंडा जी के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। उनका एम था, मिशन था कि 125 से 150 ब्लड यूनिट का संग्रह किया जाए, लेकिन अभी जैसा हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे जाना है तो अभी तक 80 यूनिट का संग्रह हो चुका है और अभी भी ये कार्यक्रम जारी है। जो राज्य सरकार की पहल है कि हमें बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, उसी के तहत इनकी संस्था के बैनर तले इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वसई की विजया ब्लड बैंक के तत्वाधान में ये आयोजन किया है। ये आयोजन आज के समय में काफ़ी मान्यता रखता है, क्योंकि आज हमारे देश में जो हालात है कोरोना महामारी के बाद में, जो लोगों को तकलीफें हैं और कहीं ना कहीं कम होती खून की जो समस्या है, कोरोना महामारी तो है ही, प्रतिदिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हजारों लोगों का खून बह जाता है और वहाँ खून की कमी होती है। तो ऐसे इस तरह से संस्थाएं जहाँ आगे आकर इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है, तो वाकई बड़ा ये एक मिशन कहा जाएगा। नमस्कार, सभी से पहले तो जितने सभी लोग आए हुए हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग ने अपना अमूल्य टाइम निकाल के एक अमूल्य योगदान का हिस्सा बने। और उसके बाद जो कोरोना काल का संकट हमारे देश के ऊपर छाया था, वो ऊपर वाले की रहम से और भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे टल रहा है। तो राज्य सरकार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सबको बोला है कि हमको वसई विरार तालुका में बहुत कम खून मिला है, तो हम एक छोटी सी संगठन जिसका जितना ताकत है उतनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान बना के लोगों को मदद करने का एक छोटा सा उपक्रम कर रही है। कितने यूनिट रक्त का संकल्प? संकल्प तो 150 यूनिट का है, लेकिन अभी तक 70-80 पहुंच चुके हैं। संकल्पना किसकी थी और संस्था का थोड़ी जानकारी दीजिए, संस्था किस तरह की? संस्था मतलब मेरा नाम ब्रिजेश शुक्ला हूँ, मैं संस्था का अध्यक्ष हूँ और संस्था में मेरे संजय मीना, नीलेश तेलंगे, राजू पारदू, शानवाज खान, यूसुफ खान, सत्य प्रकाश सिंह, अजहर भाई, वो अपना डिंकू भाई, ये सब लोग ने मिलके एक प्रेरणा लिया और सब लोग ने यही बोला है कि एक अच्छा काम करेंगे, इसलिए ये लोग रक्तदान किए और रक्तदान को बहुत अच्छे तरीके से प्रोत्साहन मिल रहा है। संदेश ये है कि सब लोग एक दूसरे का साथ बटाए तो कभी किसी के ऊपर मुसीबत आएगी ही नहीं। संजय जी क्या कहेंगे आज के? मैं हमारे प्रिय मित्र ब्रिजेश जो उर्फ पेंडा जी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा, हमारे प्रवासी एकता पेपर की ओर से, फाउंडेशन की ओर से, जिन्होंने जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठान के बैनर तले पहला काम जो इन्होंने किया, सराहनीय काम है जो रक्तदान करना, जो अभी उन्होंने बोला माननीय उद्धव ठाकरे जी के जो बोले थे कि वसई विरार में कम रक्तदान हुआ, उन्होंने ये प्रेरणा लेके जो काम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से हमारी पार्टी शिवसेना की ओर से इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा काम ये हमेशा करो, जो इनकी जो फ्रेंड सर्कल है जो इनको सपोर्ट करे ऐसे ही सपोर्ट करे, धन्यवाद। संघर्ष प्रतिष्ठान, मैं अपने ब्रिजेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने आज ये रक्त शिविर का प्रोग्राम किया है। यहाँ पे अनेकों भाई और अनेकों पार्टियों के लोग आए हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि ब्रिजेश भाई जैसा यहाँ पे नागिन दास वार्ड क्या है 47 वार्ड में जैसे काम कर रहे हैं, ऐसा हमेशा काम करते रहें और अपने हर एक मित्रों को ऐसा हमेशा ही जोड़ के रखें जैसे आज इन्होंने दिखाया है। और ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी हिंदू युवा वाहिनी की टीम यहाँ आके इनके प्रोग्राम में साथ निभाई है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अहमद शेख, पत्रकार व समाज सेवक। आज हमारे पेंडा भाई, ब्रिजेश भाई जिनको हम पेंडा भाई कहते हैं, उनकी संस्था है जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठान, वो रक्तदान शिविर रखी हुई है जो बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये हमेशा ऐसे कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए हम पत्रकार और हमारे सामाजिक मित्र, हमारे डिंकू भाई युवा वाणी के, प्रवासीता फाउंडेशन के अध्यक्ष साहब और हमारे जितने भी मित्र हैं, ये हमेशा इनके साथ सहना बसहना खड़े रहते हैं, क्योंकि इनका कार्य बहुत अच्छा है और ये करते ही रहते हैं, तो ऐसे कार्य के लिए हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे आने वाले वक्त में भी, धन्यवाद। मेरा नाम पंकज सिंह है और आज मैं
जनसेवा संघर्ष प्रतिष्ठान ब्रजेश शुक्ला जी के बुलावे पे आया हूँ। उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है जो समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर एक इंसान यहाँ पर रह के इस तरीके के छोटे छोटे योगदान अगर समाज के लिए करे तो समाज में काफ़ी बदलाव आ सकता है। तो इस युवा प्रतिष्ठान के तहत और बाकी के जो युवा का मेरे दोस्त मित्र यहाँ पे खड़े हैं, मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस तरीके का छोटा छोटा योगदान समाज में करें ताकि समाज का उद्धार हो सके। धन्यवाद। आपका नाम? विनीत मिश्रा। ऐसा जी, आपने यहाँ ब्लड डोनेशन किया, आपको कैसा महसूस हुआ? ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है और मुझे अच्छा लग रहा है। आपने पूर्व में भी ब्लड डोनेशन किया है? पहले भी किया है मैंने, और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इतना अच्छा जन सेवा संघर्ष प्रतिष्ठान ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं आके पर्सनली आके यहाँ ब्लड डोनेशन किया। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।